नमस्कार दर्शकों, आप सभी का सिटी मैप पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ देश और स्थानीय जनपद सहारनपुर की कोरोना अपडेट के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। देश में कोरोना की वर्तमान स्थिति को लेकर शनिवार को राहत की खबर आई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 38,628 नए मामले सामने आए, जो कि बीते 5 दिनों के बाद सबसे कम है। हालांकि बीते 24 घंटे में मृतकों की संख्या बढ़कर 617 हो गई, जिसने एक बार फिर से लोगों के साथ साथ सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। वहीं 40,017 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौटे। देश में अब एक्टिव केस की संख्या 4,12,153 है। वहीं देश में कुल मृतकों की संख्या की अगर बात करें तो 4,27,371 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक कुल स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 3,10,55,861 है। बात करेंगे जनपद सहारनपुर की, तो आपको बता दें जिले में लगातार कोरोना के एक्टिव केस कम होते जा रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो जल्द ही सहारनपुर कोरोना से मुक्त हो जाएगा। आपको बता दें कि आज स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक फिर से पांचवें दिन लगातार से सहारनपुर में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिल रहा, जो कि राहत की खबर कह सकते हैं। अभी भी कुल संक्रमितों की संख्या 32,899 पर बनी हुई है। राहत की बात आज ये भी रही कि आज दो मरीजों ने कोरोना से जंग जीती और स्वस्थ होकर अपने घर फिर से वापस लौटे। इस वक्त जनपद में सहारनपुर में सिर्फ 6 लोगों का इलाज अभी भी जारी है अस्पताल में, यानी कि सिर्फ 6 मरीज ही उपचाराधीन है। तो ऐसा लगता है कि जल्द ही सहारनपुर कोरोना से मुक्त हो जाएगा, लेकिन अभी भी ऐसे में लोगों को कोविड नियमों का पालन करना होगा, तभी जाकर कोरोना की संभावित तीसरी लहर को रोका जा सकता है। इसीलिए सावधान रहिए, सार्वजनिक स्थानों पर 2 गज की दूरी के पालन के साथ साथ मास्क का प्रयोग जरूर करें। आज का अपडेट आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और तब तक के लिए वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।